नमस्कार दोस्तों, यदि आपके भी अकाउंट से एनपीसीआई लिंक नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एनपीसीआई ने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कीम से वंचित रह जा रहे हैं। वजह सिर्फ एक है कि उनका जो अकाउंट है एनपीसीआई लिंकअप नहीं है, इस वजह से डीबीटी का फायदा उनको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो कस्टमर है दोस्तों, जब वो बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो लोग होते हैं यानी जो कर्मचारी होते हैं वो इतना व्यस्त होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो एनपीसीआई लिंकअप का फॉर्म है वो पेंडिंग में डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए तो बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनका एनपीसीआई लिंक नहीं हो पाता है। इसीलिए एनपीसीआई ने दोस्तों यहां पे साइट पे अभी तक केवल 5 बैंकों का लिंकअप ओपन किया था, लेकिन अब दोस्तों उन्होंने 9 से 10 बैंकों का एनपीसीआई लिंकअप के लिए ऑनलाइन मोड ओपन कर दिया है। यदि आपको भी दोस्तों ये जानना है कि कैसे एनपीसीआई लिंक आप कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन की मदद से ही, तो ये वीडियो आप लोग मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की आपके लिए यह इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे, जहां से दोस्तों आप लोगों को लाइव दिखाता हूं कि कैसे आप लोग अपना एनपीसीआई अकाउंट में लिंकअप कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सिंपल सा आपको कोई सा भी एक गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे टाइप करना है एनपीसीआई। ठीक है, जिसके माध्यम से आप लोग इसके पहले भी देखा होगा कि एनपीसीआई को लिंकअप कैसे किया जाता है। तो यहां पे आने के बाद आप लोग देखेंगे तो ये जो पहली वाली साइड है ये आपके सामने ओपन हो जाती है, हमको सिंपल सा इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो एनपीसीआई का जो ऑफिशियल पोर्टल है दोस्तों वह आपके सामने ओपन हो जाता है। यहां पे आने के बाद आप लोगों को दोस्तों यहां पे एक कंज्यूमर का जो ऑप्शन शो होता है इसी पे हमको सिंपल सा क्लिक करना होता है। तो हम जैसे इस पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने यहां पे भारत आधार सीडिंग इनेबल का सिस्टम जो है वो सर्विस आपके सामने ओपन हो जाती है। तो सिंपल सा हमको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आधार रिक्वेस्ट करने का जो सर्विस है वो बिल्कुल ओपन हो जाती है। अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं एनपीसीआई के उस साइट पे जहां से कि आपके खाते में एनपीसीआई लिंक है कि नहीं है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहीं से आप लोग एनपीसीआई प्लस डीबीटी को आसानी से अपने अकाउंट में लिंक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या काम करना है। सबसे पहले आपको दोस्तों यहां पे अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद अगर आपको अपने अकाउंट में आधार सीड करना है मतलब एनपीसीआई को लिंक करना है तो इसके लिए सिंपल सा ये वाला प्रोसेस आपको चूज कर लेना है जो कि सीडिंग वाला ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे तो यहां पे दिया गया है सिलेक्ट योर बैंक। तो सिंपल सा अब हमको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद कोई सा भी एक लेटर हमें यहां पे टाइप कर देना है। उसके बाद अब आप लोग यहां पे देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारी बैंक आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग देख लीजिए यहां पे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है। इसके बाद भी मैं आपको यहां पे नीचे खसका के दिखाता हूं, आप लोग देख लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक है। ठीक है, तो अभी यहां पे टोटल 9 बैंक शामिल हो गई है जिसमें आप लोग अपने अकाउंट में एनपीसीआई को लिंकअप आसानी से कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल फोन से होगा, आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमको जो भी बैंक यहां पे सिलेक्ट करना है, जिस भी बैंक में हमको यहां पे एनपीसीआई को लिंकअप करना है उसको दोस्तों हमको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें यहां पे एनपीसीआई लिंक करना है। ठीक है, तो हमने उसको सिलेक्ट किया। अब आपको यहां पे दोस्तों अपना अकाउंट नंबर इंटर करने की आवश्यकता होगी, उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर फिर से यहां पे डालेंगे कंफर्म के लिए। यहां दोस्तों आपको टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये जो कैप्चा है इसको यहां पे फिलअप कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको यहां पे सबमिट कर देना है। जस्ट आप जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों उसके जस्ट बाद ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये, तुरंत लगभग अब यहां पे ये काम सेटलमेंट होने लगा है। हो सकता है कि आपके केस में दोस्तों एक दिन का टाइम ले ले या 24 घंटे का टाइम ले ले, बस इतना ही केवल हो सकता है। ठीक है, वैसे तो यहां पे लगभग देखा जाए तो 1 से 2 घंटे के बीच में ही एनपीसीआई लिंकअप हो जा रहा है, लेकिन किसी विशेष टेक्निकल के केस में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि 24 घंटे का टाइम ले ले, लेकिन इस दरमियान आपके अकाउंट में एनपीसीआई आसानी से लिंक हो जाएगा।
ठीक है। तो अभी आपने यहां पे देख लिया कि टोटल 9 बैंकों में हम एनपीसीआई को लिंकअप कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिएगा।